3 तारीख को सुबह अनम डॉटर ऑफ अनीस 9 साल उम्र बच्ची माधोपुर पट्टी के गेहूं के खेत में डेड बॉडी मिली थी। उसको पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम में कौशल बेत एंटीमार्टम शॉक एंड हेमरेज आया है और सेक्सुअल अफेंस नहीं हुआ, नो इंजरी इन जेनिटल्स ये आया है। परिवार वालों ने पड़ोसी एक शकील नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाया 302 में और इनकी पुरानी रंजिश 376 मुकदमा को लेकर चल रहा था। इसी बीच में अलग अलग साक्ष्यों से, फिजिकल मटेरियल एविडेंस की रिकवरी से, क्रॉस क्वेश्चनिंग से क्लियर हुआ है कि अनम की खुद के परिवार वालों ने अनम को मर्डर करके खेत में फेंका है, जैसे कि शकील नाम के व्यक्ति जो पड़ोसी है उसको फंसाने के लिए। घटनाक्रम यह है कि सादाब उनका चाचा है, लड़की को बहाने से ले गया घर पे मेला दिखाने के नाम से। वहाँ इनके चाचा जो सादाब के साथ इनके खुद का पिता अनीस और अन्य जो चाचा लोग हैं सलीम और नसीम और इनके दादा मृतिका की दादा शहजादा, ये सब मिलके उनका नींद की गोली खिलाई और उनको पराली पे छुपा दिया है। फिर सुबह 4 बजे उठ के ले आके लड़की को गन्ने के खेत में ले जाके लड़की का पेट पे चाकू से वार किया, सर पे ईंटों से वार किया और मरा समझकर गन्ने के खेत में छोड़ के चले गए। और सुबह खुद नाटकीय ढंग से अपने खुद जाके डेड बॉडी रिकवर किया है। और ताजुब की बात है कि जब वहाँ पहुँचे बच्ची तब भी जिंदा थी, अनम जिंदा थी, फिर भी इन्होंने आधा घंटे इंतज़ार किया लड़की को मरने तक, लड़की का वीडियो भी बनाया, उसके बाद शकील के खिलाफ FIR दर्ज कराया। घटनाक्रम में इन्वॉल्व सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल किया चाकू आला कत्ल, साथ साथ जो नींद की गोली के रैपर्स और ईंट सब बरामद हो गए हैं और इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में भी इन्होंने कन्फर्स किया, साथ साथ सारे चीज़ें एक्सपोज हो गया है और इनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा। देखिए इसमें मास्टरमाइंड पूरा परिवार है, खासकर दादा शहजादा की आइडिया है ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सादाब का रोल है, जिसने अपने बचाने के लिए, सादाब के ऊपर 376 का मुकदमा था, अपने बचाने के लिए सभी को प्रेरित किया, सभी को प्रलोभन दिया कि भाई इस पे बच जाएगा, दूसरे को हम फंसा देंगे वो हमेशा के लिए निपट जाएगा। इस तरह से शकील को फंसाने के लिए सादाब चाचा है, अनीस पिता है, सलीम और उनके जो दोनों अन्य दो चाचा नसीम और उनका दादा शहजादा है, सब है। मुख्य मास्टरमाइंड अगर कहेंगे तो ये शहजादा और सादाब है।